गाइस आ गया मेरा नाश्ता, पोहा और चाय। मैंने ली थी बस थोड़ा सा। अरे बैटमैन के अलाउड नहीं है स्कूल में। तो नोनू को स्कूल जाने से पहले पापा लगा गए थे जोत, यहाँ पे पूजा हो गई थी, उसके बाद नोनू को लेके गए थे स्कूल में। आता होगा नीचे पे। वो आ गया। अब आएगा नोनू। आ गया, आ गया नोनू। बाय बेबू, अभी हम लोग जा रहे स्कूल। ओके बाय। पूरा बैड भरा पड़ा है। आज हमने सारा हटा दिया। मम्मी कपड़े भी तो नहीं रही हो रहे हैं ना, क्यों हो गया? गाइस यहाँ मम्मी कर रही थी अपनी कवर्ड साफ। ये देखिए काफी कपड़े डिस्कार्ड भी किए मम्मी ने, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग और जाके करते रहते हैं, तो इसीलिए मम्मी हटा देती है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। ब्लॉग स्टार्ट हो गया है 12:10 पे। तो आज आ रही है बुआ जी और अंशु पहुंच गई है। नोनू आ चुका है स्कूल से, जाके वापस भी आ गया और केक खाया जा रहा। पूरा केक उठा के ले आया फ्रिज से, बोल रहा है इसी में से खाना है। और आज यशवी को भी नहला दिया मैंने अच्छे से, तो कल से जाएगी यशवी स्कूल। और आज लंच में बनाएंगे दाल राइस ना। तो अंजू तो चली गई है और मैंने ये वाली कुर्ती पहन लिया आज। तो आज आ रही है कुशलता बुआ जी, तो बस वो आ जाएंगी, इसलिए मैं फटाफट ना के मैंने कुर्ती पहन ली, नहीं तो टी शर्ट ही पहनती है ना। तो क्लिनिक गई है, उनको कुछ दांत का कराना था, तो अभी मिलते जाएंगी आते आते। यशी भी नाई लिया अभी। आज ना मम्मा जी कुशलता बुआ आ रही है हमारे घर पे। हाँ आज कुशलता बुआ जी आ रही है आज। तो मैं जाऊंगी किचन में और पहले सोच रही हूँ कि दाल चढ़ा दूँ, है ना, क्योंकि 12:10 हो गए, बुआ जी आएंगी, उससे पहले मैं खाना बना लूँ अपना। तो नोनू के कपड़े भी चेंज करने हैं यार, ये भी करूँगी अभी। और कल का लोग कैसा लगा जरूर बताना, है ना, कमेंट्स करके कि हम लोगों के घर आने वाला है छोटू सा बेबी। तो और थोड़ा सा वेट, सही इतने दिन वेट किया अभी, तो नोनू भी बड़ा भाई बन जाएगा। हो गया ला दे, तो मिलूंगी थोड़ी देर बाद। वो मैंचूरियन भूल गई तेरे। सो गाइस मैं आ गई हूँ अपनी दाल चढ़ा के, तो मैं अभी बॉईल करना रख के आई, बस फटाफट छोकूंगी। और आज मेरे कपड़े देखो कितने सारे हो रखे हैं। ये कुर्तियाँ मैंने सिर्फ एक पहनी है, इसमें से दो या तीन चार कुर्तियाँ नहीं पहनी मैंने, निकाल ली आज। तो मैं इन सब पे प्रेस करके रखूँगी। और बहुत सारे कपड़े हो गए यार प्रेस कर, जब तक प्रेस नहीं हो जाती है कि ये भी है, और जब तक इन पर प्रेस नहीं हो जाती तब तक मेरे को तसल्ली नहीं होती। बस काम करके फटाफट, बस कान में भी नहीं पहने मैंने, कल वहाँ पहन के गई थी तो निकाल दिए थे। तो बस मैं पहले खाना करके खा के फिर मैं प्रेस ही करूँगी। सबसे पहले नोनू को निन्नी आ गई, देख लो निन्नी आ गई, मैं नोने को निन्नी आ गई, निन्नी निन्नी स्कूल जाओ के भी आ गया। मैं बेचू स्कूल जाओ, अनु कहेंगे थम अंदर बैठ जाओ। क्या देखो, ये देखो ना, क्या इसे इसके पहले वाले नहीं प्रिया के, वो है पहन रखा सारे। वो आ गई थी बुआ जी और आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो हम लोगों ने काफ़ी बातें मारी। फिर मेरे को याद आया कि थोड़ा सा व्लॉग भी ले लेती, तो मैं वही शूट कर रही थी। देखी बातों में हम लोग इतना मस्त हो गए थे, सब लोग एक ही जगह बैठे हुए थे। लिपस्टिक लग गई होगी मेरी लिपस्टिक लग गई, मैंने किसी कर दी अश्विक। देखा गिर जा पीछे। काफ़ी बातें मारने के बाद हम लोग आगे किचन में, मैं बना रही थी चाय और केतकी रख रही थी बर्तन। तो बुआ जी को चाहिए होती है कम दूध वाली चाय, तो मैं केतकी को बोल रही हूँ कि दूध तू डाल दे, कितना डालती है उसी के हिसाब से, मेरे से ज़्यादा दूध डालता है हमेशा। अभी वो जब उसमें लेकर आए थे इधर, उस पहले रात में आई थी जबकि बात है ना, चार पांच इकट्ठी आई थी कुर्ती। नहीं 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 ये तो अब भी नहीं है, बड़ी है। तो किचन में आने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे गाइस कि इसने सिर पे दुपट्टा क्यों लिया हुआ है, क्योंकि बुआ जी और फूफा जी देखो दोनों आ जाते हैं, उनके आगे मैं सिर पे लेती हूँ, तो वो दोनों हॉल में बैठे हुए थे। और तो इसीलिए मैंने, क्योंकि किचन खुली है दरवाज़ा, तो फिर मैंने इसीलिए सिर पर ले रखा पल्लू, क्योंकि बाहर जाते टाइम फिर अच्छा भी नहीं लगता, मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही लेती हूँ। तो यहाँ रख दिया चाय, और ये देखिए गलती से दूध मैंने ही डाला था, और मेरे से यार मलाई गिरी की बुआ जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट कोई बात नहीं। गाइस बुआ जी जब केतके को दौड़ गई और तू चढ़ा दे चाय।
मैंने पहले चाय बनाई तो हमारे तो कम तो फिर उसके साथ देखिए मैं बताऊँ ऐसे बन जाए खाया यशवी ने भी खाली मंचूरियन खाए थे बस, दाल राइस कुछ ना खाया। हाँ अब उठेगी ना जब खिला दूंगी थोड़ा सा। तो गाइस टाइम हो गया है 5:20 और बुआ जी यार चली गई थी, बच्चे दोनों सोए पड़े अपने अपने मस्ती में, नोनू भी सो गया था और यशवी भी सो गई। एक सेकेंड, तो ये देखिए यहाँ पे सो रहे मेरे बच्चा मिला दू क्या हो गया, सो रहे दोनों के दोनों। टाइम हो गया 5:20, 5:15। तो एक बार चाय बनाती थी, बुआ जी आई थी तब और उस चाय में मज़ा नहीं आया, बुआ जी पीती है एकदम कम दूध की और मेरे को चाहिए होती थोड़ी सी दूध की यार चाय पत्ती तेज़। तो यहाँ पे मेरे पड़े हैं कपड़े भी और ये भी प्रेस करने हैं मेरे को, तो मैं सोचती हूँ शाम को करूँगी, अभी जाऊँगी मेरा पार्सल भी आया एक। तो दो टॉप मंगवाए थे मैंने और बहुत ही रिजनेबल पड़ गए थे, मैंने पहले मंगाए थे तब बहुत ज़्यादा मुझे 300-400 रुपये सस्ता पड़ गया, तो मैंने दो करे थे ऑर्डर, तो वो भी दिखाऊँगी। पहले उसकी शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी फिर अनबॉक्सिंग करूँगी उसकी, तो पहले जाऊँगी किचन में चाय बनाऊँगी। मम्मी भी बोल रही है चाय में टेस्ट नहीं आया, चाय बना ले तो अपनी दही का बना लो और दे दूं क्या दादा, मैं सोच रही थी दूसरी बना लूं। अरे दूसरी बना लो और इसमें फिर अब यही सिम गिर दूं, इससे भी गिर दूं जो पानी गिरेगा ठीक कर लो इसमें। है हां गुड़ क्या अच्छी नहीं है इस टाइम में इस हमारी कह रही थी। अच्छा बंद ना ताली पर की चौका मम्मी तो भी नानी हरता है ना तो टाइम पास हो रहा सही मेरा सारा याद करा था मेरा हाथ में कोने नहीं था जी, नहीं ना कैप्टन ऐसा मिल गया की बात मेरा अच्छा मेरा हाथ में है ना थोड़े से पैसे हो पर अच्छा लगा मुझे इसकी बात नहीं मुझे ले जो कौन भगवान की मेरी आंख में बड़ी जड़ है कर नहीं पाती कुछ नहीं। पर अदरक नहीं डाल रही हूं मैं इसमें, तो मैं बहन ने सारे आना तक ठीक खोले है ना, ये की तो बात इलायची के थोड़ी से कम दे रहे बेचारा ठीक है। का कर रहे हैं का कर रहे हैं तो ये आ गया मेरा पार्सल और ये मैंने मीशो से ऑर्डर करा था। तो ये देखिए इसमें मैं टॉप है, देखती हूँ कैसा आया कैसा नहीं है ना, तो मैं सोच रही हूँ अनबॉक्सिंग कर ही लो यार क्योंकि वेट नहीं होता कोई चीज़ आती है ना, तो बस ये नहीं लगता। पहले मैं मेरी चाय ठीक कर लेती हूँ। तो ये देखिए एक कप ना बच रही थी, मैंने उसी में अब इलायची वो डाली, अदरक नहीं डाली, तो चाय लेंगे पहले। और मम्मी की बात बताऊँ, नोनू सो रहा काफ़ी घंटे हो गए उसको, आते ही सो गया था वो, मंचूरियन खाए थे तो मम्मी उसकी पहले तैयारी करके लेगी, दाल राइस आज खाना नहीं खाया उसने तो बोल रही है खाना नहीं खाया लड़के ने, तो मम्मी लेगी उसके लिए खाना और जगा लाई इसको, उठ गया अभी। क्या दूं क्या लाऊं क्या देखूं। हाँ हो गई है मेरी चाय रेडी और यहाँ पे मैंने निकाल लिया गुड़ कप में, ये देखिए तीनों में पापा को भी गुड़ वाली दे दूंगी तो ये होगी रेडी। देखते हैं नोनू क्या कर रहा है, नोनू क्या कर रहा है बिब्बू। तो गाइस ये है वो कुर्ती जो मैंने मंगवाई थी और ये देखिए ये राउंड में गोल्ड टॉप है और इतना प्यारा कपड़ा आया है इसको, ये मैंने मीशो से ऑर्डर करी थी और यही कुर्ती मेरे को मिंत्रा पे 1350 की मिल रही थी और ये मेरे को मीशो पे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गई है और मैं इसका लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, तो उसका कपड़ा भी देख सकते हो। बहुत ही प्यारी कुर्ती आई है यार क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारी क्या हुआ इतना में देखो कपड़ा बहुत प्यारा आया इसका, पहले पहन के देख लो एक बार यार अगर गोल अच्छी लग रही है ठीक है। सो गाइज मैं आ गई रूम में और चाय पी ली है, पार्सल अनबॉक्सिंग कर लिया है, अभी टर्न आती है मेरे प्रेस करने की, तो बहुत सारे कपड़े हो गए यार। ये वाली कुर्ती ना मम्मी की थी ये मैंने ले ली, मुझे इतनी प्यारी लगी थी और ये बहुत ना महंगी भी थी ये वाली और मेरे इसके कई दिन से मेरे पे नज़र थी, तो मम्मी ने एक बारी पहनी, मम्मी ने दे दी मेरे को तो मैंने ले ली। मम्मी से भी मैं करूँगी प्रेस पर, मम्मी का ही मम्मी ऐसे रख देती है, मैं रखती हूँ प्रेस करके सारे कपड़ों पर, तो अभी मैं करूँगी प्रेस। और यहाँ पे सो रही है मेरी लाडा, तो यहाँ सो रही है मेरी बिट्टो और यहाँ हो गए मेरे प्रेस के कपड़े ये देखिए, और
बस करूंगी फटाफट में प्रेस लगे, मैं यहीं करती हूँ यार बेड पे, यहीं पे कंफर्टेबल लगता है मेरे को, तो बस फटाफट करते हैं प्रेस। तो गाइज मैं आ गई हूँ किचन में और मैं कर रही हूँ अपनी सब्जी की तैयारी। तो सब्जी क्या बना रही हूँ मैं आज, बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। तो इसके लिए मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सब मैंने ले ली हैं, तो देखते क्या क्या है। तो यहाँ पे लिया मैंने कद्दू, अभी कट करूँगी इसको, और मैंने अनियन ले लिया बहुत सारी 4-5, और यहाँ पे ले लिया मैंने गार्लिक। तो फटाफट पहले इसको छील लेते हैं फिर मिलते हैं। यहाँ हो गया मेरी तैयारी, कढ़ाई रख ली है मैंने, ये मैंने डाल लिया सरसों का तेल यूज़ करती हूँ इसमें मैं। यहाँ मैंने डाला मैंने मेथी दाना, उसके बाद अनियन जाएगी, और अनियन देखिए होने के बाद में मैं ज़्यादा डालूंगी इसमें गार्लिक। हाँ, मेरी अनियन मैं आधी अनियन एकदम ब्राउन करूँगी और आधी डालूंगी ऊपर से। तो यहाँ है मेरा गार्लिक, अभी डालेंगे इसमें ये वाला। तो अनियन के बाद जाएगा इसमें गार्लिक, ये देखिए अनियन एकदम ब्राउन करी है मैंने। यहाँ हो गई है मेरी ये वाली अनियन, अभी मैं डालूंगी ये वाली। तो इसका हल्का सा ही रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं। अभी सारे मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, बाकी सब। तो बस मसाला हो गया मेरा, और ये देखिए इस तरह का है कुछ, और इसमें डालेंगे अभी कद्दू। तो गाइस मैं बताना भूल गई थी, इसमें मेन अमचूर पाउडर जो सब्जी बनने के बाद में डलेगा वो भी डालना है इसमें। उसके गाइस सब्जी छोक दिया मैंने, यहाँ लगा रही हूँ मैं आटा, और आप लोगों के साथ सच में जुड़ के मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। मतलब अपने मन की कुछ भी बात होती है मैं यहीं पे शेयर करती हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा क्योंकि एक काम भी हो गया और मेरा मन भी लग जाता है। तो गाइस मैं आ गई हूँ सब्जी बना के, और यहाँ पे शुरू हो रही है, शुरू को दवाई दी, अभी वापस फीवर आ गया हल्का सा लग रहा है इसे, और आज कुछ नहीं खाया मैं बिल्कुल, बस मैं चूरियन खाई थी सुबह सुबह, अब इसको दवाई दी है थोड़ी देर में आराम हो जाएगी ना, फिर तो वो खाना खिलाऊंगी। क्या हुआ खाएगा मिर्चा में, बच्चों को कुछ हो जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है यार। और आज अंजू भी गई, अंजू भी नहीं आया, बुआ आई को तो मिस कर रही है ये। मेरी बुआ कहाँ है, मेरी बुआ कहाँ है बेटा, मैं चांद में मिस कर लिया, मैं चांद तो मिस कर लिया बुआ को। तो ये गाइस हो गया है नेक्स्ट डे, और ये ब्लॉग है कल से कंटिन्यू। टाइम हो गया है 12:30, और यशवी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है वापस। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा बिट्टू पड़ा है, अभी वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है उसको, और मैंने पहनी है ये वाली कुर्ती, तो मम्मी से ले ली थी ये मैंने। और आज टाइम लग गया यार काफ़ी साफ़ सफाई करने में, यार डाइनिंग टेबल अब पूरा साफ़ कर दिया मैंने, यशवी के टॉयज़ और वो सब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से लेके ये मैंने पूरा क्लीन कर दिया, और ये अंजीर अब तक पड़े हैं कोई खा ही नहीं रहा इनको, और ये वाला मैंने एकदम क्लीन कर दिया पूरा, ये वाला पूरा एरिया, और एक बच्चों की गाड़ी ये भी साफ़ करी है मैंने, यहाँ से ये भी गंदी हो रखी थी धूल मिट्टी में। और ये बैठा मेरा कुका बेटू, मोबाइल देख ला क्या कर रहा नोनू। तो यशवी कर रही है मिस अपनी बुआ को, ज़्यादातर आते बीमार तो और भी ज़्यादा यही होगी, अंजू चली गई उसके बिना इसका मन भी नहीं लगता, और उसके बिना रहती भी नहीं है। तो वो एक तो पतिदेव भी नहीं है, ऊपर से बुआ भी गई, दोनों के पास ही रहती थी। और ये आ गया मेरा नोनू, आज कुका ने छुट्टी कर लिया स्कूल की, स्कूल नहीं गया आज ये गंदा लड़का, स्कूल नहीं गया, सो के दी उठा भी नहीं नहीं कर लिया इस लड़के ने। नहीं नहीं का क्या है, मैं तो आज स्कूल नहीं गया, बोल रहा मम्मा सोने दो आज नहीं जाना मुझे, क्या हुआ पूरा दिन। सो गाइस यहाँ आ गया मेरा लंच, ये राइस और ये वाली सब्जी, आज यशवी की फेवरेट थी सोयाबीन की, इसीलिए बनाई है, और मैंने लिया ये वाली सब्जी अगेन पानी डाल के। देखो ये सब्जी में और इसमें आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा ग्रेवी में, तो मैंने एकदम पानी डाल के ले लिया। और यहाँ बना लिया मैंने आज लस्सी बड़ा वाला गिलास, तो इसमें मैंने खीरे और अनियन ज़्यादा डाल लिया है, और चिया सीड्स भी इसी में ही है, मैं दिखा दूँ आप लोगों को। तो ये देखिए चिया सीड्स भी डाल लिया मैंने इसी में, अनियन भी और खीरा भी। तो ये है, ये दोनों है मेरा लंच, और ये दोनों है यशवी का लंच, है ना बेटू। सो गाइस हो गई है शाम, और टाइम हो गया 6:30, आज मैं चने की दाल भी हो के आई हूँ, आज बनाएंगे शाम को दाल किया। तो शाम होते होते भूख भी लगी जाती है यार, और आज मैंने ये वाली कुर्ती वेयर करती मैं दिखा भी नहीं पाई, और यहाँ पे मैंने अपने बिखे रखा तामझाम आज, तो यहाँ पे निकाल लिया मैंने अपना तामझाम। और तामझाम क्या है, यहाँ पे निकाले मैंने पूरे प्लाजो और मेरी जो लेगिंग्स थी सारे वो वाले सेट, यहाँ पे निकाले मैंने अपने दुपट्टा, तो आधे हैं इसमें जो यूज़ भी नहीं होते, पर जो नए एकदम जो कभी भी किसी पर भी चल जाते हैं वो वाले हैं ये, तो ये मैंने निकाल लिया यहाँ। और ये अलमारी मैंने पूरी क्लीन कर ली अपनी, तो ये सेट करूँगी क्योंकि टाइम पर लेगिंग्स मिलती नहीं है यार, कितना भी वो कर लो, और यहाँ पे बच्चों का चल रहा पूरा, दोनों के दोनों इतनी मस्ती मार रहे हैं ना, बस क्या ही बताओ इनके सारे, मेरा भी टाइम पास हो जाता है पूरा यार, बच्चों का साथ टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता।
तो मैं ट्राईपोर्ड में लगा रही थी फोन पर, फिर मेरे को ये बड़ा करना पड़ता है इसलिए मेरे को आगे हल्का थोड़ा सा, तो मैं सोची हाथ से ही कर लेती हूँ शूट, कोई बात नहीं थोड़ी सी देर लगेगी। तो मैं यहाँ पे अभी करूँगी पूरा का पूरा ये वाला कॉर्नर साफ, और देखती हूँ कुछ डिस्कार्ड करने का होगा तो वो भी करूँगी, जो हटाने के हटा दूँगी, जो रखने के वो रख लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को ये, मैंने ये वाली अलमारी अपनी करी नहीं है साफ, कबर्ड ये वाली, तो बस चलते हैं इसी में। बाकी तो मैंने पूरी सेट कर दी थी, चार पाँच जो मेरी बाकी थी यही बाकी थी एक, तो इसी को ही करते हैं पहले। तो यहाँ मैं लगाऊंगी अभी न्यूज़पेपर, उसके बाद मैं रखूंगी अपने कपड़े, तो उसमें देखिए मिलती नहीं है, काफ़ी हो जाती है, और कबर्ड ना छोटी सी है ये, तो कपड़े आते पीछे हो जाते हैं, उनके चक्कर में नए भी ले आते हूँ बट पता ही नहीं लगता कहाँ गए कहाँ नहीं। सो गई शॉपिंग करते करते ना पता भी नहीं लगता कब क्या हो जाता है क्या नहीं। ये देखिए मैंने ना सेम ले रखी है तीनों, बस कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखिए एक प्लाजो मैंने ये लिया हुआ है गोल्डन कलर में, और एक मैंने ये लिया, और ये मैं तीनों आई थिंक मैंने यूज़ भी नहीं करा, ये देखो इनकी तय भी नहीं खुल रही, जो फोल्ड कर रखे हैं ना वैसे की वैसे ही एज इट इज़। तो एक मैंने ये ली हुई है, ये लेगी है, और एक ये वाला ही, ये मैंने शॉपर स्टॉप से लिया था ये वाला भी पूरा पेंट टाइप, और ये तीनों मैंने एक बार भी यूज़ नहीं करे अब तक, क्योंकि किसी ड्रेस पर शायद पता नहीं चले हैं, या फिर वो ड्रेस पता नहीं मैंने पहनी भी है या नहीं पहनी, पहनी है तो दूसरे शायद प्लाजो के साथ मैच करके पहन ली, आई डोंट नो। सो गाइस अभी मैं इनको ऊपर ही रखूंगी, कम से कम एक दो बार यूज़ तो करूँ मैं, कम से कम लिए हुआ तो मुझे पता भी नहीं था, कई चीज़ ऐसी हो जाती है ना कि नीचे दब जाती है और पता भी नहीं लगता कि आपने ये कब खरीदेगी और कब ये नीचे चलेगी, तो इनको मैं रखूँगी अभी ऊपर, कम से कम मेरे यूज़ में तो आ जाए, है ना। तो करते फटाफट अलमारी सेट। तो गाइस हो गई है शाम, शाम तो हो गई थी, मैंने पूरा कबर्ड अपना ठीक भी कर दिया, और मौसम दिखाती हूँ आपको कितना मस्त हुआ पड़ा बाहर हवा। तो ये देखिए यहाँ पे ये है व्यू और मौसम, ओहो हवा चल रही है सही ठंडी, बास्केट कोर्ट पे देखो उधर पूरे बच्चे खेल रहे हैं मस्त। ओके तो यहाँ भीगी है मेरी दाल चने की, तो इसकी रेसिपी मैं आज शायद देखूँगी शेयर करूँगी, तो नहीं तो नहीं, चने की दाल भिगो दी थी मैंने पहले ही। सो गाइस हो गया है पूरा काम ख़त्म मेरा, और रोटी सब्जी सब, बस डिनर भी सबका कम्प्लीट हो गया है, मोनी केतकी का डिनर बाहर ही आज, और अंजू पहुंच गई है टाइम से, वो तो सुबह ही पहुंच गई थी घर कर ली, तो बस सारा काम ख़त्म करके आई हूँ अभी रूम में, और पतिदेव का देखो क्या सीन रहता है क्या नहीं, बात भी नहीं हुई आज तो कल हुई थी, तो पूरा काम करके आई हूँ यार, के बर्तन वर्तन सब नहीं कर, सब खाली करी आई, सब्जी वब्जी सब पूरा सब कुछ पूरी किचन समेट गई, और स्लैब भी साफ़ करके आई हूँ। तो यशु को खाना खिलाया यार, यशु नहीं खा रही कुछ भी, नारियल पानी दिया इतनी बड़ी मुश्किल से दिया उसको, मेरे यहाँ पे सब्जी भी गिरी, यशु को खिलाते खिलाते दो बाइट खाई है उस लड़की ने बस, नारियल पानी दिया, अभी थोड़ी देर में देखूँगी दूध अगर लेगी या नहीं, तो ये कैसा लगा व्लॉग बस करूँगी एंड, क्योंकि टाइम हो गया 9:30, तो यशु पे ध्यान दूंगी थोड़ा सा यार, क्योंकि पूरा दिन हो गया उसको, एक तंजू के बिना रोए जा रही है कंटिन्यू, बुआ गई बुआ गई, एक तो पापा भी नहीं है ऊपर से बुआ भी गई, उसका तो समझ लो सब कुछ ही गया, तो बुआ के बिना रहती ही नहीं है वो, और अभी पापा लेके गए हैं उसको दूसरे वाले रूम में अपने वाले में सुलाने के लिए, अगर सो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा उसके लिए। तो बस करूँगी व्लॉग का एंड, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने इन्जॉय भी किया होगा, तो जो अभी मेरे चैनल पर नए हो सबसे जाके पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक लीजिए माता दी, बाय बाय। और यहाँ पे यशु की तबीयत हो गई है वापस खराब, मम्मी देखिए फ्रेंच फ्राइज नारियल गिरी नारियल पोने सब कुछ मंगवा लिया बट कुछ खाई नहीं रही, रोई जा रही थी, वो जॉइंट फैमिली में खासकर यही होता है कि सब लोग देखो कैसे ऊपर ही पड़े हैं, यशु के केस की मोनी सब आगे थे।